Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum dear students and welcome to your online class. We are studying chapter number 3, photosynthesis and respiration. The topic we are going to discuss today is respiration in plants. रेस्पिरेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम रेस्पिरेशन के बारे में ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि शायद रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेने के प्रोसेस को कहते हैं, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस दुनिया में पाए जाते हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब वो सांस लेते हैं तो हम उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. बट रेस्पिरेशन इज समथिंग एल्स. जब हम प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सो रेस्पिरेशन इज अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स. तो तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है. ये सिर्फ एक सांस लेने का प्रोसेस या ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. तो अगर हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करेंगे तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इन रेस्पिरेशन प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी है. तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स दो रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल करता है, जैसा कि ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को, और उसको इस्तेमाल करने के बाद वो प्रोडक्ट्स क्या बनाता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. और जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी फॉर्मेशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. अब एक वर्ड इक्वेशन के जरिए हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं. हियर द वर्ड इक्वेशन शोज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अभी हमने बात की कि दो रिएक्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेशन के अंदर, और वो दो रिएक्टेंट्स कौन से हैं, द वन इज ग्लूकोज एंड द अदर इज ऑक्सीजन. इन दो चीजों की प्रेजेंस के अंदर जब ये रिएक्ट ये एक दूसरे के साथ करती हैं तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. हमने अभी बात की थी कि जो रेस्पिरेशन होती है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है. तो हम यहां देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बन रहे हैं हमारे पास, बट इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन रही है वो क्या है, एनर्जी. और यही एनर्जी प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी तमाम एक्टिविटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. तो इस तरह से ये जो वर्ड इक्वेशन आपको नजर आ रही है, आप इस वर्ड इक्वेशन के जरिए भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें डिटेल में कि किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, तो हम इसको कैसे देखते हैं, लेट्स सी. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय स्टोमेटा टेक्स प्लेस बाय टू वेज. सबसे पहले तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से, हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोमेटाज वो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, और ये हेल्प करती हैं इन गैसेस के एक्सचेंज के अंदर. अब दो तरह से स्टोमेटा से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, जिसमें से पहला तरीका क्या है, रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं. और दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अंदर भी आपको पता है मुख्तलिफ गैसेस का इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जरूरी हैं. अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से दोनों प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ऑपरेट कैसे होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम. अगर हम डे टाइम की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की चूंकि हम डिटेल पढ़ चुके हैं तो हमें अच्छी तरह से पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वो है लाइट. जब तक सनलाइट नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, बिकॉज लाइट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. इट मीन्स कि डे टाइम में कौन सा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन.
अगर आप वर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा रिकॉल करें फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, द वन इज ग्लूकोज एंड द अदर इज ऑक्सीजन. ये दो प्रोडक्ट्स हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के. दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन रेस्पिरेशन. और अगर आप वर्ड इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन को गौर करें, तो हमने अभी पढ़ा है कि यही वाले दो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर. तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में. सो रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इन्हीं दो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन के अंदर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और एडिशनल चीज जो इसमें बनती है वो होती है एनर्जी, जो कि इस्तेमाल कर ली जाती है प्लांट ने. अगर हम नाइट की बात करें, ड्यूरिंग नाइट टाइम, अब नाइट के टाइम में चूंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, बट रेस्पिरेशन जो वो प्रोसेस है जो डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी होता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है और ये डे एंड नाइट दोनों टाइम में ऑपरेट होता है. सो रेस्पिरेशन कंटिन्यूज एट नाइट. रेस्पिरेशन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की तरह स्टॉप नहीं होता बल्कि ये कंटिन्यू रहता है. प्लांट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रेस्पिरेशन. प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से आने वाली ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और इसके बाद वो बनाते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रेस्पिरेशन. तो ये दो प्रोडक्ट्स फिर बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी और रेस्पिरेशन भी. अब देखें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है रेस्पिरेशन में, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों अल्टरनेटिव यूज होते हैं. जैसा कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दे आर यूटिलाइजिंग इन रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दे आर यूटिलाइजिंग इन फोटोसिंथेसिस. सो बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑपरेट कैसे होता है. अब यहां फोटोसिंथेसिस में देखें सनलाइट का इस्तेमाल होगा और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होगा जो कि रेस्पिरेशन के रिजल्ट में आती है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसके इस्तेमाल से फोटोसिंथेसिस होगी और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज एंड वाटर. हियर यू कैन सी, ठीक है, ग्लूकोज और वाटर बन रहा है. और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में भी आप देखें, रेस्पिरेशन में हम यही वाली ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी ग्लूकोज का इस्तेमाल करके हम यहां पर देखें दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे और इसके साथ एनर्जी की प्रोडक्शन होगी. तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर यूटिलाइजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच अदर फॉर कंप्लीटिंग देयर प्रोसेसेस. So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz.